सब्सक्राइब कीजिए एस टी वी टेक चैनल को को और बेल बटन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे मोबाइल में प्रेजेंट जो डुप्लीकेट फाइल्स होती है उसको हम लोग किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। हम लोग फाइल को लोड करते जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि और बहुत सारे डुप्लीकेट फाइल आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा मोबाइल जो है स्लो हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए। इसके बाद यहाँ पर लिखिए डुप्लीकेट मीडिया रिमूवल। जैसे इसको टाइप करेंगे इसमें दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन में, इसको फर्स्ट वाले क्लिक कीजिए। यह मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए डायरेक्ट ओपन करने बता रहा है, अदरवाइज आप इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद इंस्टॉल करने बाद इसको ओपन कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट आता है, इसको जिया होते रहने दीजिए। ओके कीजिए, इसको डन कीजिए। फिर यहाँ पर ये स्कैन ऑप्शन आता है, यहाँ पर ये स्कैन अगेन है, मैंने पहले से स्कैन कर रखा है लेकिन आपको स्कैन करना है यहाँ पे। जैसे आप स्कैन करें कुछ टाइम लगाया गया, स्कैन करते हैं फिर से। ये देखिए लूप कर रहा है, टाइम लगता है इसमें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी मोबाइल में डुप्लीकेट फाइल्स होंगे सभी दिखाई देंगे और जो मल्टीपल फाइल्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, जिसको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे डिलीट करेंगे आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा और आपका मोबाइल पहले से फास्ट चलेगा, और साथ ही आपका स्पेस भी दिखाई देगा। आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सो डुप्लीकेट्स, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे, थोड़ा सा ऐड आता है इसमें, थोड़ा सा इसको बंद कर दीजिए ऐड को। अब यहाँ पर ऑडियो में कोई डुप्लीकेट फाइल्स नहीं है, इसे इमेज में देखते हैं हम लोग। इमेज में देखेंगे तो देखिए जो डुप्लीकेट फाइल्स है उसको इसको कर रहा है, और एक तो सेलेक्ट किया है और एक तो सेलेक्ट नहीं किया है। जिस प्रकार हम लोग जो सेलेक्ट है उसको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो को रहने देना है इसको। और यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन ऑप्शन दिखा रहा है टॉप में, यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए, प्रोसीड कीजिए। जितने भी इसमें फाइल्स थे उसको, जो भी इमेज फाइल थे उसको डिलीट कर दिया इसमें। फिर स्कैन करेंगे हम लोग, फिर देखेंगे, फिर टाइम लगाएगा। डन कीजिए इसको। अभी दिखाई देखिए यहाँ पर कोई भी फाइल्स नहीं है, तो इसने एक ही साथ इमेज और मीडिया जितने भी डुप्लीकेट फाइल्स होते हैं हमारे सिस्टम में उसको ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों ये ऐप आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए हमको कमेंट में लिख करके, और तकनीक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी कर सकते हैं। धन्यवाद।